हेलो फ्रेंड। तो फ्रेंड आज मैं आपको देखूँ किस तरह से आप लोग माइनॉरिटी स्कॉलरशिप किस तरह से करोगे फ्रेंड, ठीक है। इस वीडियो में आपको देखूँगा माइनॉरिटी किस तरह से करना है और समय में अंदर स्कॉलरशिप किस तरह से करना है, ठीक है। सबसे पहले एक ही वेबसाइट पे आपको करना होगा, ठीक है, WBMDFC स्कॉलरशिप, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से आपको काम करना है, यहाँ पर किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना हो इस वीडियो में आपको देखूँगा, ठीक है। सबसे पहले अंत तक देखिए, फिर आपको समझ में आएगी किस तरह से करना होगा फ्रेंड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन डेट यहाँ पर अभी एक्सटेंड होगा फ्रेंड, ठीक है। तो अभी यहाँ पर डेट यहाँ पर देख सकते हो, फिर मैं आपको दिखाई दूँ क्या ऑप्शन यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए डेट यहाँ पर एक मिनट, एप्लीकेशन विल रिस्पेक्ट योर प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक TSPMCM एंड SBMC मतलब होता है संवेगन स्कॉलरशिप फ्रेश एंड रिन्यूअल एप्लीकेशन अकेडमी ईयर 2024-25, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा है 30 सेप्टेम्बर तक ये होगा फ्रेंड, ठीक है। लास्ट डेट 30 सितंबर अभी दिया रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक्सटेंड होगा बाद में, तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे तो आप फॉर्म आ जाएगी फ्रेंड, यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो अभी मैं आपको देखूँ स्टूडेंट एरिया ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको इस तरह से आपको आ जाएगी फ्रेंड, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए रिन्यूअल एप्लीकेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन लॉगिन ऑप्शन, ठीक है। रिन्यूअल एप्लीकेशन सब कुछ यहाँ पर दिया है फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद ट्रैक की एप्लीकेशन पर क्लिक करके ट्रैकिंग कर सकते हो, जैसे कि मतलब किसका यहाँ पर वेरीफाई हुआ है कि नहीं, यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। अगले यहाँ पर जैसे कि 2023 का वो माइनॉरिटी डिफेक्ट हुआ है क्या, वेरीफाई पैसा लिया आया कि नहीं, यहाँ पर देख सकते हो चेक करके, ठीक है, ट्रैक की एप्लीकेशन पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फ्रेश एंड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन पर किस तरह से करना होगा, मतलब आपको किस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। इस वीडियो में आपको दिखाया था। सबसे पहले आपको स्टूडेंट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाया था अपने, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट नेम फादर नेम यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। उसके बाद मदर नेम यहाँ पर एंटर करना होगा, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए फिर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर इस्लाम, ठीक है, या मैं इस्लाम डाल दूँ, ठीक है। उसके बाद मोबाइल यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना हो, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर डेट ऑफ मैं एक फिल कर लेता हूँ, आप यहाँ पर CSE डेट ऑफ बर्थ इंटर कीजिए फिर, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड डाल के कैप्चा डाल के सबमिट करना होगा फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट फिल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट री एंटर बैंक अकाउंट नंबर फ्रेंड, ठीक है। सेविंग अकाउंट नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको IFSC कोड यहाँ पर इंटर करना होगा। IFSC को इंटर करते आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका बैंक का यहाँ पर ब्रांच नेम आ जाएगी, उसके बाद बैंक का जो नाम होता है यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी फ्रेंड, ठीक है। बैंक पर बैंक अकाउंट मतलब यहाँ पर सेल्फ होगा तो सेल्फ, फादर होगा तो फादर सेलेक्ट करें, ठीक है। जो भी यहाँ पर बैंक आपका है जिसका बैंक यहाँ पर डालोगे उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए देखा है तो फिर, ठीक है। तो सबमिट तो नहीं होगा, अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर फिलअप करोगी तो अभी आपको नेक्स्ट पेज में आपको ले जाएगी फिर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर करके मैं आपको देखा देता हूँ। अभी यहाँ पर आपको डालना होगा स्कूल का एड्रेस, मतलब जो यहाँ पर जब आप एडमिशन किया हो जो स्कूल पर, ठीक है, स्कूल हो कॉलेज जितना भी यहाँ पर होगा, ठीक है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पर डालना होगा। चलो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के मैं देखा देता हूँ, मैं जो स्कूल पर पढ़ता हूँ, ठीक है, स्कूल कॉलेज, ठीक है, वहाँ पर आपको नाम डालना होगा। आप यहाँ पर खुद का स्कूल का नाम डाल दीजिए, उसके बाद, ठीक है, करंट ईयर, उसके बाद क्लास, उसके बाद लास्ट एग्जाम पास टेबल डालना होगा, उसके बोर्ड का नाम डालना होगा, उसके बाद लास्ट मतलब पासिंग, जैसे कि लास्ट एग्जाम का पासिंग ईयर आपको इंटर करना होगा, उसके परसेंटेज क्या होगा उस हिसाब से आपको मार्कशीट पर देख लीजिए, मार्कशीट जो यहाँ पर परसेंटेज होगा फिर उस हिसाब से परसेंटेज नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आगे के ऑप्शन ले जाएगी आपको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मतलब मैंने जैसल कॉलेज यहाँ पर इंटर किया फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर कोर्स होता है, तो यहाँ पर बीएड में आर्ट्स में यहाँ पर आर्ट्स होगा, बीकॉम्स और BCA BCS, ठीक है, वो यहाँ पर डाल दिए फ्रेंड, ठीक है। तो बेचल से आर्ट्स में यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर करंट ईयर आपको डालना होगा। चलो यहाँ पर मैं करंट ईयर पर फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर पर हूँ, तो फर्स्ट ईयर आप लोग भी डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ईयर हो, तो यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द लास्ट पासिंग ईयर, तो मतलब पासिंग ईयर हुआ तो यहाँ पर 12 होगा फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट ईयर दिया था तो अभी यहाँ पर 12 होगा लास्ट एग्जाम, ठीक है।
उसके बाद बोर्ड का नाम, जैसे कि आपको 12 का कौन सा यहाँ पर बोर्ड से आपको क्या था। चलो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा वाले होगा काउंसिल हायर सेकेंडरी डिवीजन, यहाँ पर मार्कशीट का देख सकते हो, ठीक है, मार्कशीट पर आपको देखने के मिलेगा, ठीक है, बोर्ड का नाम। उसके बाद पासिंग ईयर, मतलब जो पासिंग ईयर होता है वो आप डाल दीजिए 2014, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं 2024 यहाँ पर इंटर कर दिया। उसके बाद 2024 में कितना यहाँ पर नंबर मिला था आपको उस मार्कशीट पर, ठीक है, उसे सबके मार्कशीट का यहाँ पर परसेंटेज यार डाल दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर डाल दिया एग्जाम्पल के लिए 50%, ठीक है। तो या उसके बाद एनुअल इनकम आपको डालना होगा, ठीक है। तो एनुअल इनकम जितना भी होगा उस हिसाब से आप लोग डाल दीजिए। फिर तो अभी यहाँ पर मैं करूँगा 60,000 से ज़्यादा यहाँ पर डालो फिर, ठीक है। यहाँ पर ई मेल आई डी आपको डालना होगा, तो यहाँ पर ईमेल आईडी सही रहता है, मैं इनकम डाल दिया। उसके बाद पासवर्ड इंटर करके, चलो मैं पासवर्ड इंटर करके सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन में क्लिक करके आगे के प्रोसेस में आपको दिखाया जाता है, ठीक है। सबमिट पर करते ही आपको पासवर्ड आपको एसएमएस में आ जाएगी फिर, ठीक है। आईडी पासवर्ड आपको देखने के मिलेगा और कौन कौन यहाँ पर अपलोड करना का डॉक्यूमेंट उस हिसाब से आपको देखने के मिलेगा फिर, ठीक है। थैंक यू फिर। तो अभी आप यहाँ पर आपको लॉगिन कर देना फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद बेसिस इन्फॉर्मेशन पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप पूरा को पूरा यहाँ पर चेक कर लीजिए फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि बॉक्स पर आपको फिलअप करना हो, जैसे कि आपको अनमेरिड जो भी होगा। यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एड्रेस को पूरा को पूरा एड्रेस फिल कर दिया, उसके आधार नंबर, कन्फर्म आधार नंबर, उसके बाद आपको क्लास 10 का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद टिक करके सेव एंड प्रोसीड आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रिवेशन अकाउंटमी डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंस्टीट्यूशन आपको डालना होगा, यहाँ पर टिक मारोगे तो आपको आ जाएगी, नहीं तो आपको लिखने के ऑप्शन दे जाएगी, आपको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रो करो पर्सन ईयर आपको आ जाएगी फिर, ठीक है, जो फिलअप किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूशन नेम आपको आ जाएगी, क्लास आपको आ जाएगी, उसके बाद आपको हॉस्टल है तो हॉस्टल डाल दीजिए, उसके बाद बोर्ड का नाम और कोर्स समय मतलब आपको डालना होगा, ठीक है, कोर्स यार आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स आ जाएगी फिर, ठीक है। उसके बाद आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, टिक ऑप्शन एंड सबमिट एंड प्रोसीड आपको कर देना फिर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट बैंक पासबुक डालना होगा, उसके बाद मार्कशीट डालना होगा, ठीक है। सेमेस्टर हो तो सेमेस्टर आपको डालना होगा, फर्स्ट सेमेस्टर, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, इसे सब अपलोड करना होगा फिर, ठीक है। तो आप पहले अभी यहाँ पर जैसे कि मार्कशीट आपको मैं यहाँ पर अभी क्लास 12 का कर रहा हूँ, 11 का, तो इलेवन का आपको डालना होगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, उसके बाद वेरीफिकेशन फॉर्म आपको अपलोड करना होगा, स्कूल कॉलेज का जो यहाँ पर वेरीफिकेशन करके सील से करके अपलोड करना होगा, जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन करके रखा हो। चलो सबसे पहले बैंक अकाउंट को आपको अपलोड करके मैं आपको दिखाया था। चलो बैंक अकाउंट अपलोड सक्सेस हो चुका है। उसके बाद मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो आपको 100 KB से 300 KB अपलोड करना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 300 KB यहाँ पर करके मैं अपलोड कर लेता हूँ, आपके आगे के प्रोसेस में आपको दिखाऊंगा फ्रेंड, ठीक है। तो वेट कीजिए फ्रेंड। उसके बाद अब आपको मार्कशीट अपलोड करना होगा। चलो मार्कशीट का KBM में काम कर दिया। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक अपलोड हो गया सक्सेसफुल। उसके बाद वेरीफिकेशन फॉर्मेट आपको, जैसे स्कूल वेरीफिकेशन, कॉलेज वेरीफिकेशन का यहाँ पर एक फॉर्म आएगी, उस सिग्नेचर करके यहाँ पर आना होगा, ठीक है, स्कूल से, ठीक है, स्कूल नहीं तो कॉलेज से। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से आपको एक इनकम सर्टिफिकेट, वीडियो इनकम सर्टिफिकेट मैंने अपलोड किया फिर, ठीक है। तो वीडियो इनकम से किस तरह से अपलोड करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई किस तरह से करना है, चलो मैं यहाँ पर देखिए बैंक के अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको मार्कशीट अपलोड कर दिया फिर, ठीक है, ये मैंने सामने का अंदर स्कॉलरशिप कर रहा हूँ फिर, ठीक है। उसके बाद आपको स्कूल वेरीफिकेशन फॉर्म आपको अपलोड कर दिया फिर, ठीक है, यहाँ पर देखिए स्कूल फॉर्म आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया फिर, अभी यहाँ पर मेरा काम कंप्लीट हो चुका है फिर, ठीक है, पूरा पूरा अपलोड हो जाएगा। सिर्फ प्रोसीड ऑप्शन में क्लिक कर देना फिर, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। अभी क्या आ रहा है फिर, जैसे कि जब जितना भी कॉलेज एप्लीकेशन करोगे फिर, ठीक है, सिलेबस की, तो अभी यहाँ पर सबको यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे सबको यहाँ पर कॉलेज का वेरीफिकेशन मतलब कॉलेज का सील सोइट करके आना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो अभी माइनॉरिटी फिर, ठीक है। तो सबसे पहले आप एंटर देखिए सब कुछ अब सही है कि नहीं, अब चेक कीजिए फिर, ठीक है, सब कुछ ठीक है। हो जाने के बाद आपको लॉक ऑप्शन पर आपको क्लिक कर दें, यहाँ पर प्रो को टिक कर दीजिए। उसके बाद अकाउंट नंबर फिर से दोबारा चेक कीजिए फिर, ठीक है, अकाउंट नंबर चेक करके उसके बाद आपको लॉक ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर गलत मत करना फिर, क्योंकि आपका पैसा अकाउंट नंबर गलत होगा तो पैसा आपको नहीं आ जाएगी, इसलिए आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड जरूर एक बार चेक कीजिए फिर, ठीक है फिर।
चेक करने से आपको पैसा आपको स्टैंड आपको आ जाएगी आपका बैंक अकाउंट पर। ठीक है फ्रेंड, चलो लॉक ऑप्शन में मैं क्लिक कर दिया। तो लॉक करते ही आपको इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, उस पिन करके आपको कॉलेज नहीं तो यहाँ पर जो अपर स्कूल है आपका, ठीक है, उस हिसाब से आपको शेयर को जमा देना होगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड, मिलता है अगले वीडियो में जो है बंद में किस तरह से आप लोग मैं किया फ्रेंड। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए जितना भी आपका कॉलेज होगा उस हिसाब से आपको सिग्नेचर करके रहना होगा फ्रेंड। ठीक है, कॉलेज का हो या स्कूल का हो, ठीक है, आपको 11 से आपको जितना भी आप बार होगा यार, ठीक है, तो उसका आपको कॉलेज 11 12 उसके बाद सबको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करोगी तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, यहाँ पर कॉलेज का वेरीफिकेशन फॉर्मेट से आपको ले आना होगा फ्रेंड। ठीक है, वेरीफिकेशन मतलब सोई सिग्नेचर करके लेना होगा, उसके बाद उसको अपलोड करना होगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कम 50% कम नंबर जिसका होगा फ्रेंड, ठीक है, उसको भी यहाँ पर इस फॉर्म को आपको प्रिंट आउट करके आपको कॉलेज नहीं तो या स्कूल से आपको वेरीफिकेशन मतलब सील सो करके यहाँ पर लिया यहाँ पर आना होगा फ्रेंड, इसके बाद अपलोड करना होगा फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा फ्रेंड, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा फ्रेंड, के स्कॉलरशिप नहीं होगा फ्रेंड। ठीक है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना ही होगा। अभी यहाँ पर इस तरह से आपको फोटो यहाँ पर डालना होगा फ्रेंड। ठीक है, सेलिब्रेट करके पासपोर्ट साइज का फोटो इंटर करके आपको यहाँ पर डालना होगा फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद आपको फीस स्लिप मतलब जो भर्ती स्लिप होता है उससे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा फ्रेंड। ठीक है, दो चीज़ अपलोड करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर वेरीफिकेशन करके सील से कर ले जाना होगा, उसके बाद आपको इसको अपलोड करके प्रिंट आउट हो जाएगी फ्रेंड। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले में ज्वाइन मतलब।